डरते हो क्या मेरे पति बाबू से? इसलिए नहीं जा रहे हो बुलाने? वैसे मुझे भी बहुत डर लगता है। शक्ति बड़े अजीब है वो, कभी रसगुल्ले की तरह एकदम मीठे, कभी करेले की तरह एकदम कड़वे। पर डरने से कुछ होगा? बुलाना तो पड़ेगा ना, अगर रस्म पूरी करनी है तो। ठीक है, मैं लाती हूँ पति बाबू को बुलाकर। ये लो, पति बाबू तो खुद ही आ गए। इस घर में उस लड़की की माँ एक कदम भी नहीं रख सकती है। बहू की माँ को यहाँ लाना चाहते हो ना, लाओ। और उसके पहले तुम्हें शादी के बाद की सारी रस्में करनी होगी। पता नहीं आज पति बाबू रसगुल्ला बने हैं या करेला। करिए जो रस्में करनी है। रीत है क्या? नब जोड़ी का खेल है छोटे मालिक। ये आपकी शादी का टोपर और मुकुट, ये तो पहना ही होगा आप दोनों ने। अब छोटे मालिक के टोपर का एक हिस्सा और ये छोटी मालकिन के मुकुट का एक हिस्सा हम पानी के अंदर डालेंगे। अगर छोटे मालिक का टोपर का हिस्सा मालकिन के मुकुट के हिस्से के पीछे गया तो समझ जाइएगा छोटे मालिक, पूरी जिंदगी पीछे पीछे घूमना पड़ेगा पत्नी के। और पीछे नहीं गया तो पीछे घूमूंगी पति बाबू के? हाँ, पर मैं इनके पीछे ही घूमती रहूंगी तो आगे कैसे बढ़ूंगी? आगे बढ़कर क्या करना है, यही तो रहना है जीवन भर। अच्छी पत्नी हमेशा पति के पीछे रहती है, यही रीत है। पति बाबू आप जीत गए, अब अच्छे पत्नी की तरह आपके पीछे घूमती रहूंगी जीवन भर। रोजंदा कुछ करेंगे कि रस्में ही करवाते रहेंगे आप? फिर अपनी समधन के साथ ही रस्में करवाते रहिएगा। अब हमारा तो चेहरा तक नहीं देखेंगे इस हवेली में आप फिर कभी। धीरज इतनी जल्दी क्यों छोड़ देते हो बिनॉय? रस्में पूरी कर रहा है ना अनिरुद्ध? अच्छा है, बहू की माँ को हम उसे यहाँ लाने देंगे, ये कैसे मान लिया तुमने? बस इंतजार करो और देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। कुछ भी हो जाए, बहू की माँ को हम हमारी हवेली में आने नहीं देंगे। बिहारी जी। मालिक, मुंशी को बुलाओ जल्दी। जी। अब आप दोनों को अपने हाथों का छाप इस कपड़े पे लगाना है। छोटे मालिक पहले आप।
मालकिन आप अभी। अब बांसी भी है सिंदूरदार का रसम। कर ली है। अब मुझे बोंदिता की माँ को यहाँ लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपना वादा पूरा करूंगा। सांझ होते ही मोटर गाड़ी निकलवा लो। और सुनो, पता नहीं चलना चाहिए किसी को। कहाँ जाना है मालिक? बहू के गांव। अनिरुद्ध वहां पे पहुंचे उससे पहले हमें कुछ जरूरी काम है। वहां समझाना है किसी को। जमींदार हाथ में तलवार नहीं रखता, पर जुबान में बहुत धार रखता है। के घर जाना है ना कल। इस खुशी में नींद ही नहीं आ रही है। अच्छा पति बाबू, नहीं नहीं नहीं, बिस्तरा बाबू, मैं अपनी संपूर्णा दीदी से मिलने जा सकती हूँ? हाँ जा सकती हो। अब बोंदिता, ये सही समय नहीं होगा मिलने का उससे। बहन से मिलने का भी कोई समय होता है क्या? और होता है तो पता कैसे चलता है? जानता हूँ कोई सही समय नहीं होता बहन से मिलने का, लेकिन आज संपूर्णा और सौरभ तुम्हें नहीं मिल सकते।
वो वैसी गुरगुर नहीं है, ये तो अलग सी गुरगुर है। अलग सी? अब कैसे समझाऊं? वो ऐसा लग रहा है कि पेट में तितलियां उड़ रही है मेरे। मैं ना पेट पकड़ के बैठ जाती हूँ। देखो ऐसा है, तितलियों की जगह किसी और पे ध्यान दो। किस पे? मुझ पे। मेरा मतलब गाना गाओ। गाना आता है ना? इससे नहीं होगा गुरगुर? शायद नहीं, कोशिश करके देख लो। असली सपना वही होता है जो हम जागते हुए देखते हैं, और फिर जब तक वो सपना पूरा नहीं होता ना, तब तक वो हमें सोने नहीं देता। यहाँ आपके पास बैठ जाऊं, यहाँ बैठकर सपने देखूंगी, फिर आपसे पूछूंगी कि कैसे पूरा करना है उन्हें। ज्यादा बात करना पसंद नहीं मुझे। सपने देखना पसंद है? हाँ है। तो वही देख लेना। मेरा देश बदलेगा, जरूर बदलेगा। अकेला तो अकेला ही सही। मैं अपना सपना देख चुका हूँ, उसे बस पूरा करना बाकी है। मेरा और आपका सपना जुड़ा हो, ये भी तो हो सकता है। परेशान करना बंद करोगी और ये खेलने मुझे अच्छा नहीं लगता। जाओ। बात करना अच्छा नहीं लगता, साथ में सपने नहीं देखते, लंगड़ी टांग नहीं खेलते, तो फिर अच्छा क्या लगता है आपको? पति बाबू तो अपने किताबों में खोए हुए हैं, पर मैं क्या करूं यहाँ बैठे बैठे? आज सोना नहीं है, वरना बिस्तर गीला हो गया तो? आज बच गई तो कल माँ आ जाएगी। संपूर्णा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? ठीक हो ना तुम? आज देख कर रहूंगी मैं किससे शादी की अनिरुद्ध ने। जानो तो मुझसे भी सुंदर है क्या? इतना क्यों हंस रही हो? दिखाओ तो, दिखाओ ना बोंदी तक, दिखाओ।
दिखाओ बोंदिता। गुस्सा क्यों होऊंगा? मैं भी ऐसे अच्छे खासे चेहरों का नमूना बना देता था बचपन में। मैं भी बहुत बड़ा शैतान था बंदिता। मेरी तरह? तुमसे भी ज़्यादा। अनिरुद्ध को मेरी कोई परवाह? मैं जलू इस आदमी तो जल, वो तो खुश है विवाह करके, तभी तो हंसी नहीं रुक रही। ऐसी कौन सी अप्सरा है उसकी पत्नी? अरे अरे नहीं नहीं, आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी। नहीं संपूर्णा, तुम्हें चोट लगी है, तुम ऊपर आराम से सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। नहीं आप। नहीं तुम। आप। तुम। आप। मेरे बच्चे का ससुराल में ख्याल रखना तो कमा, ससुराल में मेरी बोंदिता को इतनी खुशी इतना प्यार मिले कि माँ की कभी याद ना आए उसे। जमींदार से विवाह हुआ है आपकी बेटी का, अब क्या मांग रही आप भगवान से? देखो दीदी, हम जमींदार नहीं है, घी क्या तेल के दिए के लिए भी पैसे नहीं है हमारे पास, तो माफ करना, आपके दिए के खर्चे हम नहीं उठा सकते। अब आपकी प्रार्थना दुर्गा माँ तक नहीं पहुंची। समधी जी। नमस्कार। नमस्कार। यही ठहरिएगा। इतनी रात गए? पांच बकरी। अरे पांच बकरी देने का वादा किया था ना हमने दहेज में, शादी के दिन तो दे नहीं पाए, पक्का वही लेने आए होंगे। अब क्या करेंगे हम? सुबह तक कभी इंतजार नहीं किया। सुबह हो या रात, हमने खूंटे से बांध रखी है क्या बकरियां? उस चंडाल बोंदिता ने ना जरूर कुछ तमाशा किया होगा, जिसकी वजह से ना संपूर्ण फंस चुकी है, तभी आए होंगे। उस पुट्ठे से अगर शादी हो जाती ना बोंदिता की, तो हमें धन भी मिल जाता बहुत सारा, और संपूर्ण भी बहुत खुश रहती, और मैं तो दुर्गा माँ को घी के दिए जलाती।
updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.